बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। कल जो अपन ने लास्ट टर्न पे जो देखा था उसके अंदर ऐसे वृत्त का समीकरण हमको दिया हुआ था और हमको दिखाना था कि उसमें प्रतिलोम बिंदु हैं Z1 Z2। आज हम देखेंगे कि Z1 इसका कन्वर्स लो कि Z1 Z2 अगर वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु हों तो ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये अपन ने पहले ही लिख दिया कि हमको ये चीज़ सिद्ध करनी है, क्योंकि हमको मालूम है कि Z1 Z2 प्रतिलोम बिंदु वाले वृत्त का समीकरण या फैमिली ऑफ सर्किल्स इस रूप में आएगा। तो इसको हम दिमाग में रखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में Z-α का मॉड बराबर रो एक वृत्त है जिसके सापेक्ष Z1 और Z2 इनवर्स पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अल्फा क्या हो गया, उसका सेंटर हो गया, एंड रो इज़ दी रेडियस, ठीक है। और ये इसको ये लाइन है हमारे पास, और ये Z1 Z2 दो बिंदु हैं ए और बी। अल्फा इज़ दी सेंटर, अल्फा Z1 Z2 तीनों कैसे हैं, एक ही लाइन में है, संरेखीय है। मान लेते हैं कि Z1 बराबर अल्फा प्लस लेमडा e^i θ एंड Z2 बराबर अल्फा प्लस लेमडा डैश e^i θ। और क्योंकि Z1 Z2 इनवर्स पॉइंट्स हैं, सो CA into CB इज इक्वल टू रो स्क्वायर। इनवर्स पॉइंट की अपन डेफिनेशन में देखा ही था अपन ने कि एक ही रेखा में CA और B पॉइंट्स हों तो A और B इनवर्स पॉइंट्स कहलाएंगे अगर CA into CB इज इक्वल टू रो स्क्वायर हों। क्योंकि Z1 Z2 इनवर्स पॉइंट्स हैं इसीलिए CA CB इज इक्वल टू रो स्क्वायर। CA का मान रख देते हैं, CE अल्फा, A पॉइंट इज Z1, सो Z1 माइनस अल्फा का मॉड, ऐसे ही CB हो गया अपने पास Z2 माइनस अल्फा का मॉड बराबर रो स्क्वायर, इम्प्लाइज Z1 माइनस अल्फा। Z1 अपन ने लिया है अल्फा प्लस लेमडा e^i θ, सो Z1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू लेमडा e^i θ। तो लेमडा यहाँ बाहर निकाल लिया क्योंकि ये सिंपल कांस्टेंट है अपने पास में। और इसी तरह से Z2 माइनस अल्फा बराबर लेमडा डैश e^i θ, तो मॉड में है दोनों के स्क्वायर हो गए बराबर रो स्क्वायर। सो e^i θ का मॉड इज 1, ये अपन कई बार पहले भी देख चुके हैं, cos θ + i θ का मॉड स्क्वायर में है, है ना, इस cos²θ + sin²θ का अंडर रूट का स्क्वायर, दैट इज 1। सो लेमडा डैश इज इक्वल टू रो स्क्वायर अपॉन लेमडा, इम्प्लाइज लेमडा ए Z2। Z2 अपन ने कितना लिया था ऊपर, अभी Z2 बराबर अल्फा प्लस लेमडा डैश e^i θ। तो यहाँ पर लेमडा डैश की वैल्यू रख देते हैं, सो Z2 विल बी अल्फा प्लस रो स्क्वायर अपॉन लेमडा e^i θ। यदि तो ये दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास कि Z1 बराबर अल्फा प्लस लेमडा e^i θ एंड Z2 बराबर अल्फा प्लस रो स्क्वायर अपॉन लेमडा e^i θ, जहाँ पर रो हमारे पास में वृत्त की त्रिज्या है। यदि वृत्त पर कोई बिंदु जेड है तो जेड कैसा होगा, अल्फा प्लस रो e^i φ मान लेते हैं। यदि वृत्त के ऊपर कोई बिंदु हम जेड ले लें यहाँ पे सर्किल के ऊपर, सो वो कैसा होगा, अल्फा प्लस रो e^i φ। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान रखेंगे कि हमको ये चीज़ लेके आनी है, इसलिए हम क्या चाहते हैं, वी कंसीडर Z-Z1/Z-Z2, इसको लेके चलते हैं। और Z1 Z2 की वैल्यूज़ हमारे पास में ऑलरेडी आ गई, Z भी है हमारे पास में, ये सारे मान यहाँ रखते जाएंगे हम। सो कंसीडर Z-Z1/Z-Z2, पुट दी वैल्यू जेड, अल्फा प्लस रो e^i φ, फिर माइनस
जेड वन बराबर एल्फा प्लस लैम्डा ई रेस टू आयोटा थीटा, माइनस है इसलिए दोनों माइनस हो गए, और जेड की वैल्यू वापस ये की गई, और जेड टू अपन ने लिया था एल्फा माइनस लैम्डा डैश ई रेस टू आयोटा थीटा, ठीक है, एल्फा कट गए तो ये चीज़ अपने पास में रह गई हमारे पास, रो ई रेस टू आयोटा फाई माइनस लैम्डा इंटू दिस, ये लैम्डा डैश है यहाँ पे एक्चुअल में, दिस इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे लैम्डा से गुणा कर दो इसको ऊपर नीचे, ताकि ये डायरेक्ट फॉर्म बन जाएगी, तो लैम्डा रो ई रेस टू आयोटा फाई लैम्डा स्क्वायर, और नीचे लैम्डा रो ई रेस टू आयोटा फाई माइनस रो स्क्वायर ई रेस टू आयोटा थीटा, लैम्डा लैम्डा डैश रो स्क्वायर हो गया अपने पास पीछे से, सो लैम्डा अपॉन रो इन टू, यहाँ से लैम्डा कॉमन यहाँ से रो कॉमन, सो रो इन टू ई रेस टू आयोटा फाई कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई माइनस एक लैम्डा बाहर आ गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे ही नीचे भी रो बाहर आ गया लैम्डा कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई, एक रो बाहर आ गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये तो बाहर है सका ऐसे ही रो कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई माइनस लैम्डा कॉस थीटा ही आ गया, और नीचे अपने पास में है लैम्डा कॉस फाई आयोटा साइन फाई माइनस रो इन टू दिस। अब इसके वो बना लीजिए आप कि सारे ये जितने भी रो है ना, अपन ने रो एक साथ रख लिया लैम्डा एक साथ रख लिया, इधर लैम्डा इधर रो, तो रो कॉस फाई माइनस लैम्डा कॉस थीटा, ये दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी में साइन फाई इन टू रो प्लस आयोटा कॉस, ये आयोटा इंटू साइन थीटा, ये रो आ गया, तो इसका मॉड में वैल्यू है, दोनों के मॉड अलग अलग कर लिए अपन ने, अलग अलग चल रहे हैं मॉड वैसे ही, तो इसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, अब इसको आप खोल लेंगे तो रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर रो स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लैम्डा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर लैम्डा स्क्वायर, और माइनस टू रो लैम्डा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई साइन थीटा, ऐसे ही नीचे भी टर्म आ जाएगी, सो अब ये क्या हुआ, ये दोनों टर्म आपकी सेम हो गई, तो ये दोनों कट गए सारे, तो लैम्डा अपॉन रो रह गया एंड दैट इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो अपने को क्या मिल गया, जहाँ कंसिडर किया था जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉड, दिस इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, जो कि हमारे पास में वृत्त कुल का समीकरण है, और अगर ये अपने पास के आएगा तो के की वैल्यू वन हो गई, तो ये क्या बन जाएगी, सरल रेखा प्राप्त हो जाती है, तो इस प्रकार से अगर जेड वन जेड टू इनवर्स पॉइंट्स हैं तो हम वृत्त का समीकरण लिख सकते हैं, और वृत्त का अगर दिया होगा समीकरण इस रूप में है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जेड वन जेड टू इनवर्स पॉइंट्स हैं। एक और लेते हैं कि बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किन्हीं दो बिंदुओं को जो वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु हैं ऐसे दो बिंदुओं में प्रतिचित्रित करता है जो रूपांतरित वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु है। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किन्हीं दो बिंदुओं को जो वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु हैं ऐसे दो बिंदुओं में प्रतिचित्रित करेगा जो रूपांतरित वृत्त के सापेक्ष भी प्रतिलोम बिंदु होंगे। तो माना हमारे पास में जेड वन जेड टू इस वृत्त कुल जहाँ लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु हैं। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी के अंतर्गत जेड वन और जेड टू के प्रतिलोम बिंदु मान लेते हैं कि W1 और W2 हैं। अब हम सिद्ध क्या करेंगे कि W1 W2 भी हमारे पास में इस बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत प्रतिलोम बिंदु हैं, क्योंकि ये तो हमको प्रतिलोम बिंदु दे ही रखे हैं कि अगर वृत्त कुल के सापेक्ष दो ऐसे बिंदु जो कि एक दूसरे के प्रतिलोम बिंदु हैं तो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे वृत्त में रूपांतरित करेगी जिसके लिए कि इन बिंदुओं के जो प्रतिलोम बिंदु होंगे W1 W2 वो भी प्रतिलोम होंगे आपस में।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डब्ल्यू वन निकाल लेते हैं, ए जेड वन प्लस बी अपॉन सी जेड वन प्लस डी, और डब्ल्यू टू बराबर ए जेड टू प्लस बी अपॉन सी जेड टू प्लस डी। इसलिए रूपांतरित वृत्त का समीकरण, इसको सारे को डब्ल्यू में चेंज करेंगे, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू बराबर लैम्डा में वैल्यू रख देते हैं, या आप चाहो तो ऐसा करो कि इसको चेंज कर दो पहले, जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे वैल्यू निकाल लो माइनस जेड वन, और इसी तरह से ये डब्ल्यू की वैल्यू नीचे भी रख दी माइनस जेड टू, ठीक है। और ये लघुत्तम ले लो नीचे, माइनस सी डब्ल्यू प्लस ए दोनों में से कट जाएगा और ये इधर जेड वन से गुणा हो गया, और डब्ल्यू की टर्म एक साथ रख देते हैं, डी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू सी जेड वन, और बाकी बची हुई कॉन्स्टेंट इधर डाल दिया, और इसको यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, सी जेड वन प्लस डी ऊपर नीचे भाग लगा दो, और इधर लगा देंगे सी जेड टू प्लस डी से, ठीक है। और ये जो ऊपर नीचे भाग लगाए ना, इसको भी इधर गुणा भाग कर लेते हैं, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, या यूँ कहो कि सी जेड टू प्लस डी अपन ने इधर भी गुणा कर दिया, इधर भी गुणा कर दिया, तो ये दोनों आपकी सेम आ गई, आपकी ऊपर नीचे हो गए क्रॉस में, यहाँ पे गुणा भाग किया है अपन ने, है ना। सो ये क्या बन गया अपने पास में, डब्ल्यू वन आ गया है। सो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू टू बराबर के। ये नहीं आ रहा है समझ में, ये ईजी है बिल्कुल। सी जेड वन प्लस डी का अपन ने यहाँ भाग लगाया, तो यहाँ पर भी भाग लगा दिया दोनों साइड में। इसी तरह से नीचे आप सी जेड टू प्लस ए का भाग लगाओगे, ए डी का भाग लगाएंगे, वापस ए का भाग लगाएंगे, तो इधर भी ए का भाग लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके सेम आ जाएगी, सी जेड टू प्लस डी और प्लस बी आ गया, इधर भी आ गया, सेम आ गया, सी जेड वन प्लस डी ये तो यहाँ ऊपर आ गया, और इसी तरह से सी जेड टू प्लस डी, ये एक्चुअल में यहाँ पे डी लग रहा है, ये इसको डी अब सही हो जाएगा। तो जो इधर गुणा भाग किया वो का वही इधर कर दिया, बैलेंस बराबर हो गया। अब ये हमारे पास में ऐसे वृत्त कुल का समीकरण प्राप्त हो रहा है जिसके सापेक्ष डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू इन्वर्स पॉइंट्स हैं, और ये इन्वर्स पॉइंट्स किसके करस्पॉन्डिंगली है, जेड वन का इन्वर्स पॉइंट डब्ल्यू वन है और जेड टू का डब्ल्यू टू है। डब्ल्यू वन जेड वन का इन्वर्स पॉइंट है और डब्ल्यू टू जेड टू का इन्वर्स पॉइंट है। तो इसलिए हम कहेंगे कि बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दो बिंदुओं जेड वन और जेड टू को, जो कि प्रतिलोम बिंदु हैं, ऐसे रूपांतरित वृत्त के अंदर प्रतिचित्रित करता है जिसके लिए जेड वन का प्रतिलोम बिंदु डब्ल्यू वन और जेड टू का प्रतिलोम बिंदु डब्ल्यू टू ये खुद भी इन्वर्स पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू कैसे हैं, इन्वर्स पॉइंट है, किसके सापेक्ष, रूपांतरित वृत्त के सापेक्ष। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सापेक्ष अगर जेड वन जेड टू दो हमारे पास इन्वर्स पॉइंट्स हैं, तो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे रूपांतरित वृत्त को देगा जिसके अंदर ये डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू जो कि जेड वन जेड टू के प्रतिलोम बिंदु हैं, ये खुद भी प्रतिलोम बिंदु हैं। यही इसकी ये प्रॉपर्टी है। तो अब तक अपन ने ये काफ़ी प्रॉपर्टीज़ इसकी देख ली है, और ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, इनको अपने को ध्यान से करना है और इनको प्रॉपर्टीज़ को याद भी रखना है, क्योंकि ये अपने को क्वेश्चंस में काफ़ी मदद करेंगे।